नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव पहुंचे सिरसा। भाजपा के बुद्धिजीवी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने पहुंचे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव का बड़ा बयान इस दौरान आया। बोले, बुद्धिविहीन कांग्रेस कर रही है देश को कमजोर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी बोला हमला। बोले, झूठ की खेती कर रहे हैं राहुल गांधी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर राफेल मुद्दे पर भी हमला बोला। सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। देश को कमजोर करने पर तुले हुए राहुल गांधी। आप देख रहे हैं पल-पल सिरसा से अमर सिंह जानी की एक खास रिपोर्ट। बीजेपी द्वारा सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सभागार में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सिरसा, हिसार और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं सम्मेलन में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल, सिरसा प्रभारी श्री निवास गोयल, प्रदीप अहलावत, डॉक्टर वेद बेनीवाल, श्याम बजाज सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि देश के निर्माण और गति देने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग की अहम भूमिका रहती है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी झूठ की खेती कर रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा किए गए गठबंधन पर भी चुटकी ली। बेमेल शादी का तलाक तय होता है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष अल्पा रहा है अलग डफली और अलग राग। मोदी के डर से बचने के लिए विपक्ष हुआ है एकजुट। आप देख रहे हैं पल-पल की ये विशेष रिपोर्ट। देश का कोई कोना दुनिया के देश के कोई कोना ऐसा नहीं है जो विकास से छूटा ना हो। के हमारे विभाग का बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 2016 में लागू हुआ। इसके पहले इंदिरा आवास था। इंदिरा आवास में 70,000 रुपये की राशि मिलती थी, वो बढ़ करके अब 1,50,000 रुपये की राशि हो गई है। पहले 20 वर्ग मीटर में मकान का निर्माण होता था, अब हम उसको 25 वर्ग मीटर में मकान बना रहे हैं। मकान के साथ शौचालय, शौचालय के साथ पानी, बिजली, रसोई घर और गरीबों के हाथ में मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। 2019 तक हमारा लक्ष्य था कि हम 1 करोड़ मकान बनाएंगे और 2022 तक हिंदुस्तान का, चाहे शहरी गरीब हो या गांव का गरीब हो, सबके लिए मकान उपलब्ध कराएंगे। कोई ऐसा गरीब ना होगा जिसको अपना पक्का का मकान नहीं होगा। कि आज कुल मिलाकर के हमने जो 2014 के बाद मकान प्रारंभ किया बनाना, 1,30,00,000 मकान का निर्माण हमने करवा दिया है और बचे हुए जो काम हैं उसको मार्च तक हम पूरा करने का काम करेंगे। उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हमारा लक्ष्य था कि 2019 तक प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में पहले पूर्ववर्ती सरकार ने इस लक्ष्य को रखा था, 2022 तक हम सभी बसावटों को सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। मुझे प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने राशि आवंटित की, पहले 8,000 करोड़ रुपया था, अब हमने उसको 19,000 करोड़ रुपया की राशि कर दी है। हर साल हमने राशि को बढ़ाया है। पहले हमारा बजट था 58,000 करोड़ रुपया, अब 1,25,000 से अधिक की राशि हमने बढ़ाई है। और ये मैं कह सकता हूँ कि 2019 तक मार्च तक हिंदुस्तान का पहले फेज का जितनी भी बसावट हैं जो अब तक सड़क जहाँ नहीं गई थी वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। ये जो विपक्ष में जिनका मैंने पहले ही बताया था कि कोई नीति सिद्धांत नहीं है, कोई नेता भी नहीं है, अलग अलग डफली, अलग अलग राज बजा रहे हैं, जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। मोदी जी ने पौने 5 साल में देश के हर लोगों के लिए काम किया है और विकास करने का काम किया है। ये तमाम विपक्ष में लोग, जो सारे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, सारे जो चोर हैं, जो शोर मचा रहे हैं, सबको जनता ने परखी है, समझी है। ये सब को पहले भी मौका देश की जनता ने दी है, चाहे राज्य स्तर पर कोई भी पार्टियां, चाहे ममता जी हों या अखिलेश जी हों या मायावती जी हों या अन्य कोई, ये सब मौके प्रस्त लोग हैं और ये लोग आपस में लड़ते रहे हैं। आज मोदी जी के डर से सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बरसात के दिन में पता है कि नहीं,
जब बरसात होता है तो अब जान बचाने के लिए जितना जानवर होता है, सांप, छुचंदर, मेढक, ये सब इकट्ठे हो जाता है पेड़ पर जान बचाने के लिए। तो अपनी जान बचा रहे हैं इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। एक सुरताल तो है नहीं, एक हम लोग के यहाँ कहावत है, ये बिना मेल के शादी कर रहे हैं तो तलाक तो तय है ना। ममता जी को क्यों डर है? आज के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मैं तो 25 साल से सांसद हूँ, मैंने कभी नहीं देखा था कोई मुख्यमंत्री किसी अधिकारी के पक्ष में खड़ा हो जाए। कांग्रेस पार्टी बहुत चालाकी के साथ झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, देश को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एकमात्र मुद्दा है, एकमात्र स्लोगन है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई नेता है, नेताविहीन विपक्ष आज शोर मचा रहा है। और चोर जो है चौकीदार को ही चोर कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पोल खुलने वाला है ना। ये राहुल गांधी का तो झूठ, आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी में इतना झूठ बोलने वाला, इतना देश को गुमराह करने वाला मैंने अपने जीवन काल में नेता नहीं देखा है। सरासर झूठ, झूठ की खेती कर रहा है राहुल गांधी। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। आज ही सेना के अधिकारियों ने उसको साफ साफ, जो इस निगोशिएशन का मुख्य था मिस्टर सिन्हा, उसने साफ साफ कह दिया कि देश के लिए राफेल कितना आवश्यक था। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खेल में, उनके मेल में देश को कमज़ोर करने का कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तो लगता है कि कहीं देशद्रोह का काम तो नहीं करेंगे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज करने का काम किया है। हर स्तर पर ये बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम किया, एक नहीं कई बार कहा जा चुका है। रक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण देने का काम किया है, और एक कागज़ का टुकड़ा लेके कोई समाचार पत्र में आओ अधूरा अधूरी बात फाइल की नोटिंग लेके दिखा रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, और इन सब लोगों को इसी 2019 के चुनाव में चुन चुन करके मतों के माध्यम से बदला लेने का काम करेगी।